हेलो गाइस, आप देख रहे हैं स्मार्ट इजी स्टडी। बिहार एजुकेशनल काउंसिल की तरफ से बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम 2020 के लिए इम्पोर्टेंट नोटिस आया है। बिहार एजुकेशनल काउंसिल ने मैट्रिक की सेंटअप परीक्षा की डेट और टाइम टेबल जारी की है, जो कि 7 नवंबर से 11 नवंबर के बीच में दो चरणों में, यानी फर्स्ट सिटिंग और सेकेंड सिटिंग में एग्जाम होगी आपकी। मैं आपको टाइम टेबल भी बताऊंगा कि किस दिन आपकी कौन सी पेपर है, किस शिफ्ट में आपका, किस सिटिंग में आपका कौन सा पेपर है। और साथ ही साथ बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के प्रवक्ता अभिषेक कुमार ने ये भी बताया है कि यदि बच्चे इस सेंटअप एग्ज़ाम में नहीं अपीयर होते हैं और या तो पास नहीं होते हैं, उन्हें बोर्ड की फाइनल परीक्षा जो 2020 में होने वाली है उन्हें शामिल नहीं किया जाएगा, यानी उनका एडमिट कार्ड इशू नहीं होगा, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस है। क्या है ये नोटिस, इसको आगे हम लोग डिटेल से देखते हैं। इससे पहले दोस्तों, यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी तरह से और क्या क्या इंपॉर्टेंट नोटिस आपके बारे में आएंगी वो सारे वीडियो मैं डालते रहूंगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैट्रिक की सेंटअप परीक्षा 7 से 11 नवंबर के बीच में होगा, जिसका टाइम टेबल जारी हो चुका है। आपको सबसे पहले अंग्रेजी का पेपर होगा। दोस्तों इस बार लगभग 17 लाख बच्चे बिहार बोर्ड मैट्रिक के एग्ज़ाम में शामिल होंगे, और उससे पहले उन्हें मैट्रिक की सेंटअप परीक्षा जो कि 7 से 11 नवंबर तक होगी उन्हें देना होगा। तो आइए टाइम टेबल पर हम लोग ध्यान देते हैं कि कब कौन सा एग्ज़ाम आपका होगा, किस पेपर का और क्या उसका टाइमिंग रहेगा। तो सबसे पहले मैं दोस्तों बता दूं कि आपका दो पाली में एग्ज़ाम होगा, यानी फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट। फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम 9:30 से 12:45 तक होगा और दूसरे शिफ्ट का एग्ज़ाम 1:15 से 4:30 के बीच में होगा। तो सबसे पहला हम लोग आ जाते हैं जो फर्स्ट पेपर, जो कि 7 नवंबर को होगी। 7 नवंबर को फर्स्ट शिफ्ट में 9:30 से 12:45 के बीच में आपका अंग्रेजी होगी, और दूसरे शिफ्ट में आपका सामाजिक विज्ञान यानी SST होगा। 8 नवंबर की बात करें तो 8 नवंबर में आपका फर्स्ट शिफ्ट में सामान्य गणित, ठीक है, और दूसरे शिफ्ट में जो दूसरे लैंग्वेज के द्विभाषा है उनका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। 9 नवंबर की बात करें तो उसमें आपका फर्स्ट शिफ्ट में मातृभाषा यानी हिंदी, उर्दू, बंगला या मैथिली जो भी सब्जेक्ट है वो होंगे, और इस डेट को सेकेंड शिफ्ट में कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। और 11 नवंबर की बात करें तो 11 नवंबर का आपको सामान्य विज्ञान साइंस की परीक्षा होगी, और दूसरे शिफ्ट में जिन्होंने ऐच्छिक विषय ऑप्शनल सब्जेक्ट रखा है, जैसे उच्च गणित हुआ, अर्थशास्त्र, गृह विज्ञान, वाणिज्य, मैथिली, संस्कृत, संगीत, ललित कला, नृत्य, आर्ट्स, जो भी फारसी वगैरह, अरबी या जो भी आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट पेपर लिया है उसका एग्जाम इस दिन होगा। एक चीज़ और इम्पोर्टेंट नोटिस बता दूँ कि बोर्ड के अध्यक्ष ने साफ साफ कहा है कि जो बच्चे इस सेंटअप परीक्षा में शामिल नहीं होते हैं या फिर जो पास नहीं होते हैं, उन्हें बोर्ड के फाइनल एग्ज़ाम के लिए जो कि 2020 में होंगे, एडमिट कार्ड इशू उनका नहीं किया जाएगा। तो जो भी बच्चे हैं वो ज़रूर से ज़रूर इस एग्ज़ाम को ज्वाइन करें, ठीक है, इस एग्ज़ाम को दें ताकि आपको एडमिट कार्ड मिलने में कोई दिक्कत ना हो। इसका रिज़ल्ट जो है लगभग 19 के बाद जारी कर दिया जाएगा। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह का मैं नया नया न्यूज़ जो भी आप रिलेटेड हो मैं उसे आपके सामने लाता रहूं। थैंक यू।